लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम की प्रिपरेशन से, जो कि तुम्हारा पेपर होने वाला है, अगर मैं, हाँ यस आ जाओ। हाँ यस आओ, कमिंग। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया। मैं सर ये कह रहा था कि आपने वीडियो भेजी थी, ऑनलाइन वीडियो भेजी थी डीजीसी की, तो सर हमने वो ऑनलाइन का फॉर्म अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में थोड़ा सा डाउट ये था कि थोड़ा उसके एडमिशन के, जो हमने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया ना, तो उसमें सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा डाउट था, और सर ये मेरे यहाँ कोर्स में तो कहीं गया था। सबने फॉर्म भरा है? यस सर। चलो बढ़िया, आओ बैठो। तो तुम्हारा डाउट क्या है कि तुमने जो फॉर्म भरा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, यस सर। ये पूछना चाह हाँ रहे हो। जी, तुमने सिलेबस वगैरह किसका असिस्टेंट का भरा है? हमने भी ओटी टेक्नीशियन का। देखो, पढ़ने के लिए ना बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम की प्रिपरेशन से, जो कि तुम्हारा पेपर होने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके बारे में डिटेल में मैं तुम्हें बताता हूँ। ओटी टेक्नीशियन के जो एग्जाम होता है, जैसे कि अभी एम्स के पेपर आने वाला है नियर बाय कमिंग अप, और जो डीएसएसबी का एग्जाम है, तो तुमने डीएसएसबी का फॉर्म भरा है। तो डीएसएसबी के लिए अगर बात की जाए कि तुम्हारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो डीएसएसबी के नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 50% आपका होगा सिलेबस और 50% होगा अदर। अदर में आपकी आएगी जनरल नॉलेज आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश आएगी। तो अगर हम अपने सिर्फ सिलेबस की बात करें, देखो रीजनिंग और जनरल नॉलेज इनकी कोई लिमिटेशन है नहीं, आपने बेसिक पढ़ना है। हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, सिलेबस को किस तरीके से हम प्रॉपर करके अपने अंदर, कहते हैं ना हिंदी में तो घोट के पी जाना, उसको करना है। क्योंकि देखो कोई भी सरकारी नौकरी ना, गवर्नमेंट जो आपको वैकेंसी निकली है उसमें जो सैलरी देगी, सैलरी बहुत ठीक ठाक है, तो कोई भी आपको पैसा फ्री का देगा नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ें क्या, ये सवाल बनता है। तो पढ़ने के लिए हमें, देखो सबसे पहले आप लिख लो, मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ, क्योंकि टॉपिक्स जब एक बार लिख लोगे ना तो तुम्हारे काम आएंगे, फ्यूचर में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि डीएसएसबी की हो और भी अदर वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें भी काम आएंगे। तो हम अगर बात करें अपने सिलेबस से रिगार्डिंग, तो सिलेबस में आपके पास अनितिशा की बुक होगी, शॉर्ट, अगर मैं बुक का नाम लूँ, एक नॉर्मल सी बुक होती है अजय यादव की, शॉर्ट अनितिशा शॉर्ट टेक्स्ट बुक, उसको ले लेना। अगर वैसे तो होगी तुम्हारे पास, तो उसको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। पढ़ना क्या है उसमें, आपने क्या क्या पढ़ना है, देखो आपने पढ़ना पहले एनेस्थीसिया पढ़नी है, एनेस्थीसिया क्या होती है, ड्रग्स पढ़ने हैं उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। आपने एमजीपीएस का पढ़ना है, यानी कि सिलेंडर्स के बारे में, उसमें क्या आता है, पिन पूछ सकते हैं, पिन इंडेक्स पूछ सकते हैं, मशीन का नहीं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो होता है उसमें आपसे सिस्टम पूछ सकते हैं, कितने उसमें बटी हुई है, हाई फ्लो में, मीडियम में, ये सब आपने प्रॉपर पढ़ना है। क्योंकि देखो पढ़ने का तरीका, पेपर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया तो एग्जाम भी 2-4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा, तो आपके पास टाइम लिमिट कम है और पढ़ाई है ज़्यादा। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आने पीछे पढ़नी है, ड्रग्स पढ़ने हैं, ड्रग्स पढ़ लेने हैं, कैनुला पढ़ने हैं, कैनुला के कलर कोडिंग और फ्लो रेट, क्योंकि वो एमसीक्यू बनाते हैं, टॉपिक सही होते हैं लेकिन वो घुमा फिरा के एमसीक्यू आएंगे, आसान से नहीं, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि भाई जो हमने पढ़ा वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसी चीज़ को इधर, मतलब कहते हैं ना, तो कान ऐसे पकड़ो या फिर कान को ऐसे पकड़ो, घुमा फिर आगे पकड़ना कान, वही उनकी कहावत है। जो एग्जामिनर होता है वो उस तरीके से पेपर तैयार करते हैं। आपने सिलेंडर्स पढ़ने हैं, सीबीपी लाइन वगैरह पढ़नी है, एपीडीएल पढ़नी है, और आपने पढ़ना है उसमें अनितिशा होगी, सीबीपी होगी, सीएसएसबी डिपार्टमेंट जो होता है उससे रिगार्डिंग जो स्टेलाइजेशन होता है, ऑटो क्लेविंग होता है, 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं उसमें से, स्टेलाइजेशन प्रोसेस, ऑटो क्लेविंग टेम्परेचर, ईटीओ की फुल फॉर्म या ईटीओ के एक्स वाई जेड, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हो, 4 क्वेश्चन तो आने आने। बायोमेडिकल वेस्ट में से एक दो क्वेश्चन चिपकाएंगे वो, क्योंकि बीएमडब्ल्यू जो होता है आपका हॉस्पिटल के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो हो गए। और आपके अनितिशा के अंदर अगर मैं सिलेबस के अंदर बात की जाए तो पोजिशंस हो गई, ओटी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो पोजिशन, ऑपरेशन में क्या क्या पोजिशन यूज़ करते हैं, पोजिशन के नाम, और जैसे कि रिवर्स टेंडल वर्क या सुपाइन या प्रोन, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना क्या क्या होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, इन सब के जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि इंडक्शन एजेंट है, प्रोपोल वगैरह, इनके डोज और इनके साइड इफेक्ट, ये सब पढ़ लेना। और बात करें अनाटमी की, तो अनाटमी में भी आप बेसिक बेसिक पढ़ लेना, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसमें बेसिक बेसिक पढ़ लेना, अनाटमी के स्ट्रक्चर पढ़ लेना, सिस्टम पढ़ लेना, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है, और भी आपके स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में बात करें तो बोन्स दे देंगे कि जॉइंट बोन कौन सी है,
या फ्रैक्चर क्या है, ये सब चीज़ पूछ सकते हैं वो, वर्टेब्रा पूछ सकते हैं, और स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देते हैं वो उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा था तो उसमें था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे दी जाती है, मतलब ऑप्शन दिए थे लंबर L2, 1, 3, 4, L3 और L4 पे दी जाती है, तो ये सब याद कर लेना। एपिड्यूरल कितने स्पेस में, कौन से स्पेस में डाला जाता है, और कैथेटर कितना इंसर्ट करते हैं, ये भी करके उसमें याद कर लेना। और सीवीपी जो होती है सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन, उसका भी आप याद कर लेना कि उसका प्रेशर कितना रखते हैं, वो सब चीज़ें। अनाटमी का बेसिक अनाटमी स्ट्रक्चर, और ग्लैंड, मोस्टली आप ग्लैंड भी याद करना है, ग्लैंड में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सब हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ये सब भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी सवाल आते हैं आपके, बेसिक बेसिक सवाल आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गए सेल्स के बारे में, और जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं, जैसे कि RBC भेजनी है या RBS भेजना है, CBC भेजनी है, ये सब भेजने, कौन सी बैल में भेजते हैं, ये मोटा मोटा रफली आप याद कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपने याद करना है। थ्योरी आपने पढ़नी पढ़नी है, बुक पढ़नी है, और उसके बाद एक काम जरूर करना है, चाहे आप मेरे चैनल पर वीडियो देखें MCQ की, या फिर और किसी अदर चैनल पर वीडियो देखें, जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियोज मिल रही है MCQ के रिलेटेड, एंड ऑपरेशन थिएटर या OT टेक्नीशियन से रिलेटेड, सब देख मारो, सब देखो, और उनमें से ये देखो, देखने का मोटिव रखो कि जो सवाल सामने स्क्रीन पर आ रहा है, जो एग्जामिनर है जो बोल रहा है जिसकी वीडियो, उसके आंसर बताने से पहले खुद आंसर करने की कोशिश करो, चाहे वीडियो को उस टाइम स्टॉप कर दो, लेकिन आंसर पहले खुद दिमाग लगाओ कि सर इसका सही आंसर ये है क्या, अगर आप सही नहीं है तो वो ऑप्शन राइट जो बताएंगे उससे आप मैच कर लो कि वो सही है। तो वो सारी वीडियो आपने देखनी है, क्यों देखनी, क्योंकि MCQ आते हैं, थ्योरी तो आप पढ़ोगे, थ्योरी में से ही MCQ बनते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन MCQ भी आपको आइडिया होगा कि इस टाइप से MCQ आते हैं, क्योंकि देखो जब पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है, पढ़ाई में आप एक चीज कर रहे हो। जैसे कि अभी इतने सारे टॉपिक आपने बताए, तो इसको पढ़ने मतलब कितना टाइम देना होगा, कितना टाइम में? देखो अगर मैं बात करूँ 2 महीने का, कि 2 महीने तुम्हारे सपोज डेट के 2 महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम पेपर है, तो उसके हम कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, मेरा मानना है कि 1 महीने पढ़ लो थ्योरी 100% दोनों की, एनाटॉमी की और एनेस्थीसिया की थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो 15 दिन दो आप MCQ के लिए, जो वीडियोज हैं MCQ देखो, किसी की भी देखो वीडियो, लेकिन देखो उससे क्या है कि अपने आप को जांचोगे परखोगे कि हाँ ये सही है या नहीं। उसके बाद 15 दिन जो बचे हैं उनमें आपने रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ आपने जो 50% सिलेबस अदर है रीजनिंग भी कवर करनी है उसी में, रीजनिंग में जो आते हैं ब्लड रिलेशन आते हैं और ब्लड ग्रुप भी आते हैं, और उसमें यह पूछा जाता है कि आज ये दिन है तो कल को कौन सा दिन होगा, ये सब टाइप के जो नंबर ऑड नंबर ये सब नंबर ये सब करने, और जनरल नॉलेज में प्रेजेंट का डाटा रखना, जैसे COVID-19 में कौन सी वैक्सीन, ये सब जो प्रेजेंट के डाटा है ना, ये अभी कोई ओलंपिक हुआ कौन सा खेल हुआ उसमें कौन विजेता बना उसको क्या ट्रॉफी मिली, ये सब बेसिक बेसिक देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाए, बेसिक बेसिक करना। और सबसे बड़ी बात ये कि पेपर जब आपके सामने हो तो पहले करने का तरीका वो रखना कि पहले तो सारे सारे जो तुम 100% आते हैं उनको सही करना, तो वो नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज़ का ध्यान देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी सवाल हैं उन सबको जो आपको आते हैं उन सबको कर देना है। उसके बाद आपने करना है जिनमें थोड़ा डाउट है, मतलब आप कह रहे हो कि 50% सही हूँ 50% नहीं हूँ, कन्फ्यूजन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, एग्जाम पेपर में एक तो टेंशन होती है सभी को होती है। उसके बाद जब आप पेपर हॉल में बैठोगे तो पहले सवाल ऐसे लगेंगे कि आपको ये तो मैंने पढ़ा था अभी आंसर भूल गया क्या है, तो अगर 50% का डाउट है तो डाउट वाले कर देना, कई बार हो जाते हैं, लेकिन जिनके बारे में कुछ नहीं पता जो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि उनको छोड़ ही देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन वो जब करने चाहिए जब आपको कुछ आता ही नहीं है, हाँ जब कुछ आता ही नहीं है कि भाई मुझे पता है कि मैं पास तक नहीं हो पाऊंगा, तो जो भी है कर मारो, तुक्का है कहीं तो फिट होगा, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हारे तुक्का की वजह से जो तुमने सही करें उनमें से भी नंबर कट जाए नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो डाउट वाले कर सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं जो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं तो उनको छेड़ना भी मत, क्योंकि नंबर तुम्हारे कट जाएंगे, जो सही हैं उनको भी खा जाएंगे वो। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये 2 महीने के अंदर इस तरीके से 1 महीने थ्योरी करो, 15 दिन MCQ देखो, तो दिन रात लगा दो पढ़ना है, क्योंकि यही उम्र है। अगर इस टाइम तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो आपने एक चीज़ समझना, आप अकेले नहीं हो, बहुत बच्चे आएंगे, कॉम्पिटिशन बहुत, क्योंकि जब आप निकलोगे ना तो आप देखोगे कि सामने वाले बंदे को कितनी नॉलेज है। और हाँ, देख के डिमोटिवेट कभी मत होना कि सामने वाले को नॉलेज है, मेरा पेपर होगा नहीं होगा उसको ज़्यादा है, तो जो हम किसी से कम नहीं है, करेंगे हम भी, और कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना,
और अच्छे से मेहनत करना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, हमेशा तरक्की करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर।